जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज लोग देख ही चुके होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। आज हमारी ट्रेन की जर्नी है गोरखपुर हैदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस। मैं जर्नी करने जा रहा हूँ दोस्तों। वैसे तो ट्रेन लेट है, 9 बजे लगेगा स्टेशन पर। ये देखिए दोस्तों, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। हमारी ट्रेन का नाम है गोरखपुर हैदराबाद स्पेशल 0-25-76। ट्रेन का नंबर है दोस्तों, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर पर आ चुकी है। और मैं आपको दिखाऊंगा इंटीरियर कैसा है। हमारी कोच है 3rd AC में दोस्तों। अब मैं दिखाऊंगा अपना कोच। ये देखिए हमारा नीचे का सीट है दोस्तों। और देखिए मेरा विंडो का सीट है दोस्तों। ये देखिए इस ट्रेन में देखिए कंबल वंबल कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सब में मिलता है लेकिन इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है इसलिए नहीं मिलता है इसमें। हमारी ट्रेन देखिए गोरखपुर जंक्शन से दोस्तों निकल चुकी है इस टाइम। ये देखिए कितने लोग मिले करके आ रहे हैं इस टाइम। और माता मेला लगा हुआ है हमारे ये है हमारा डोमिनगढ़ स्टेशन, डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन है छोटा सा। ये देखिए दोस्तों सिग्नल नहीं मिल रहा था इसलिए रुक गया था थोड़ा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिखा दूँ कि बाथरूम कैसा है। ये देखिए बाथरूम का इंटीरियर, वैसे तो साफ सुथरा है लेकिन ये बॉटल पता नहीं कौन रख दिया है, लेकिन इतना साफा नहीं है। बाथरूम का कंडीशन बहुत ख़राब है, क्या बताऊँ आप सभी को। वैसे तो इस ट्रेन का बाथरूम उतना साफ सुथरा तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें। देखिए thank you.
ये देखिए हमारी ट्रेन लखनऊ सिटी आ चुकी है, मेन रेलवे स्टेशन से नहीं आई हमारी। हेलो दोस्तों, हमारी ट्रेन लखनऊ सिटी पहुंच चुका है 271 किलोमीटर डिस्टेंस पार करके, उसे भी एक घंटा ट्रेन लेट हो चुका है। देखते हैं कब। हमारी ट्रेन लखनऊ सिटी से निकल चुकी है अब। हेलो दोस्तों, हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली है। ठंड तो भी बढ़ गया है अभी, देखिए ये देखिए गंगा नदी है। ये है हमारे यहाँ का गंगा नदी। फाइनली कानपुर सेंट्रल हमारी ट्रेन आ चुकी है अब। ये देखिए कानपुर सेंट्रल। तो 2 घंटे डिले के साथ हमारी ट्रेन कानपुर सेंटर पहुंच चुका है 371 किलोमीटर डिस्टेंस पार करके। जो मिलता हूँ डिपार्चर में।
कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन निकल चुकी है, अब रात भी होने वाला है, शाम भी डूब। दोस्तों अब रात भी हो चुका है, अब मैं कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं सुबह मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह भी हो चुका है, इस टाइम हमारे ट्रेन पहुँचने वाली है नागपुर जंक्शन। 3:50 लेट है, अब देखते हैं और कितना लेट होगा। सिकंदराबाद छोड़ने का टाइम था वैसे तो 3 बजे, लेकिन अब हो गया है 9 बजे रात को, जो कितना बजे कितना टाइम हो जाएगा। अब मिलता हूँ नागपुर जंक्शन पर, सर पहुँच जाएगा। हमारी ट्रेन नागपुर जंक्शन आ चुका है, ये देखिए दोस्तों नागपुर जंक्शन। हेलो दोस्तों, नागपुर पहुंच चुका है हमारी ट्रेन 1271 किलोमीटर स्टेशन पार करके। ये देखिए मैं खाना लिया हूँ, खाना खाने के लिए जा रहा हूँ अब। ये देखिए हमारी ट्रेन नागपुर जंक्शन से निकल चुकी है, अब जा रहा हूँ, अब खाना खा लूँ, लिया हूँ खा लूँ खाना। वैसे तो खाना 70 रुपया प्लेट मिल गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से। Thank you.
हेलो दोस्तों, हमारा ट्रेन बल्लासार पहुंच चुका है। बल्लासार रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है हमारा ट्रेन। ये देखिए हमारा ट्रेन, ये देखिए हमारी ट्रेन बल्लासार से निकल चुकी है। बल्लासार से हमारा ट्रेन निकल चुका है अब। ये देखिए काजीपेट के जंक्शन के पास ही ये तालाब है। यहाँ पे देखिए कितने लोग मछली भी मारते हैं। हमारी ट्रेन काजीपेट जंक्शन पहुंचने वाली है जल्दी। अब देखिए बहुत ऊपर बना हुआ तो बड़ी परेशान है। आई ने
ज़्यादा पड़ते हैं ना, गर्मी ना ज़्यादा। हमारी ट्रेन काजी पेट जंक्शन पहुँच चुकी है। हमारी ट्रेन काजीपेट से भी अब निकल चुकी है। देखिए रात भी होने वाली है, हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी हैदराबाद में 3 बजे का टाइम था, लेकिन हो चुकी है लेट। फाइनली हमारी ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। मैं तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, ये देखिए सिकंदराबाद 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक जा रही है हमारी ट्रेन। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। वैसे तो सिकंदराबाद पहुँचने का टाइम था 3 बजे, लेकिन पहुँचाया है 8 बजे। हम इस वीडियो